प्रीमियर प्रो के अंदर कलर करेक्शन कैसे करनी है, कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, लट्स कैसे यूज करने हैं, अगर किसी मूवी की कलर टोन आपको पसंद आ गई तो वहाँ की सिमिलर सी टोन आप अपनी वीडियो में कैसे डाल सकते हैं एक ही क्लिक में। इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी चलाते हो ना उसको थोड़ा सा रोक दो, प्रैक्टिकली आपके सामने आपको एक वीडियो को कलर ग्रेड करके दिखाऊंगा। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो वही वीडियो का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत ही आसान से तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अरे भाई क्या हो गया? भाई मैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और एडिटिंग भी मुश्किल लगती है, कैसे करूंगा मैं? अब तो सब इजी हो गया यार, ये देख वंडरशेयर डेमो क्रिएटर, ये ऐसा ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई टीचर हो, गेमर हो या कंटेंट क्रिएटर हो, ये सबके लिए है। ये देख इसमें तो आराम से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है और AI अवतार्स का भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी वीडियोस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन इसको यूज करना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? अरे नहीं, इसका यूजर इंटरफेस बहुत इजी है। इसको ओपन करा मैंने और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डर की ऑप्शन है एंड इसके अंदर 6 और ऑप्शंस है, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, स्क्रीन के साथ फेस कैम भी करना है, गेम प्रेजेंटेशन या ये वर्चुअल अवतार भी है। इसमें तो डिफरेंट अवतार्स में हम कोई भी अवतार सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी हम करेंगे अवतार सेम एक्शंस करेगा। एंड जब ट्यूटोरियल्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, स्क्रीन एंड कैमरा पे क्लिक करेंगे एंड यहां साइड में हमारा फेस कैम भी आ जाएगा एंड स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो जाएगी, नीचे रिकॉर्डिंग का बटन है। और अपने स्टूडेंट्स को और समझाने के लिए हम स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और इतना नहीं व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन भी है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। एंड रिकॉर्डिंग को बंद करते ही इसका एडिटर ओपन हो जाएगा, इसमें हम बहुत आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं, ट्रांजिशंस, टेक्स्ट टेम्पलेट्स, स्टिकर्स, फिल्टर, साउंड इफेक्ट्स, वॉइस सब मिल जाएगा। पर इतना ही नहीं, इसमें AI पावर्ड फीचर्स भी हैं। ऑडियो में अगर नॉइज आ रही है, नॉइज रिडक्शन भी कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहां से डाउनलोड करूं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर और फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा तुझे। गाइस अगर आपको भी वंडरशेयर डेमो क्रिएटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वापस चलते अपनी वीडियो की तरफ। भाई फाइनली लेसन नंबर 10 आ गया। तो सबसे पहले तो भाई वीडियो को लेकर आते हैं। ये मैंने वीडियो को उठाया और यहाँ पर ये इंपोर्ट वाला जो सेक्शन होता है ना प्रीमियर प्रो का, उसके अंदर मैंने वीडियो को ऐसे ड्रॉप कर दिया। अब ये वीडियो को उठाया और ये वाला न्यू सीक्वेंस वाला छोटा सा बटन होता है, इसके ऊपर ऐसे छोड़ देना तो हमारी ये नई सीक्वेंस बन गई है। ये वीडियो हमारी उसके अंदर है, प्ले करते हैं तो इस टाइप की ये वीडियो है। अब आप ध्यान से देखिए, वीडियो में कलर्स बहुत कम है, बहुत ही फीकी सी वीडियो है, कॉन्ट्रास्ट भी कम है। तो ये होती है लॉन्ग वीडियोस। आप जब क्लाइंट्स का काम करोगे, आप जब एडिटिंग या कलर ग्रेडिंग का आपको काम आएगा तो आपके पास ऐसी वीडियोस आ सकती हैं। और हम लॉन्ग में इसलिए शूट करते हैं ताकि जब हमने कलर ग्रेडिंग करनी है बाद में तो हमारे पास डायनेमिक रेंज बढ़िया हो। जैसे आप यहाँ पर देखिए स्काई के अंदर कितनी सारी डिटेल्स आ रही हैं, और अगर हम लॉग में शूट नहीं करते तो स्काई का एक ही व्हाइट सा कलर आ जाता होता है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है। और ज्यादा डायनेमिक रेंज निकालने के लिए, ज्यादा डिटेलिंग निकालने के लिए हम लॉग में शूट कर लेते हैं। और हर कैमरा का अलग से लॉग रहता है, जैसे सोनी का एस लॉग, कैनन कैमरास का सी लॉग, निकॉन का एन लॉग। और ये सोनी कैमरा से शूट हुई है तो ये एस लॉग वाली वीडियो है। अब हमारी लॉग वीडियो हमारे टाइमलाइन पर आ गई है। अब हमने कलर ग्रेडिंग को स्टार्ट करना है तो यहाँ पर सबसे पहला काम करना है हमारी जो वर्क स्पेस है जहां पर हमने भाई काम करना है वो कलर ग्रेडिंग वाली ही खोलें। और वो बहुत ही आसान है, सिंपली यहां पर ऊपर लिखा है जी विंडो, इसके अंदर जाएंगे वर्क स्पेसेस और इसके अंदर हमारे पास है कलर की ऑप्शन, ये वाली, ये चूज कर लो। अब देखो कलर्स वाला पैनल खुल गया हमारा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमारे पास स्कोप्स खुल जाएंगे और यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है ल्यूमेट्री स्कोप्स। तो ये करते क्या है, बेसिकली ये हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये लड़की है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये व्हाइट वाला जो पार्ट है ये स्काई का पार्ट है। और ये देखो जैसे जैसे मैं वीडियो में लड़की को मूव करता हूँ, वहां पर देखो स्कोप्स के अंदर वहां पर भी वो लड़की मूव हो रही है। अब आपको पता लगे होगा ये वही चीज यहाँ पर ग्राफ में दिखा रहा है। और यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि हम जो कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं वो ज्यादा तो नहीं कर रहे या वो ज्यादा कम तो नहीं कर रहे। बेसिकली ये ग्राफ को हम वेव फॉर्म कहते हैं। हो सकता है आपका कुछ और दिखा रहा हो, जैसे परेड दिखा रहा हो आपका, ये चीज दिखा रहा हो, या हो सकता है आपका ये वेक्टर स्कोप दिखा रहा हो। तो सिंपल सा काम है, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम वेव फॉर्म चूज कर लेंगे और ये जो वेक्टर स्कोप है इसको हम बंद भी कर सकते हैं, यानी एक टाइम पे हम 2, 3, 4 खोल सकते हैं, अपनी मर्जी है, चाहे चारों अलग अलग खोल लो। मैं ज्यादा 2 ही चीजें रखता हूँ, एक वेक्टर स्कोप और एक वेव फॉर्म। जब स्किन वगैरह की कलर्स चेंज करने होते हैं ना तो वेक्टर स्कोप यूज होता है ज्यादा। तो अभी के लिए ये स्किन काफी दूर है लड़की की, इतनी दिख नहीं रही, वाइड एंगल शॉट है, तो इसलिए हम सिर्फ वेव फॉर्म ही ओपन करेंगे। तो ये है ज्योमेट्री स्कोप्स जो लेफ्ट साइड में हम शो कर रहे हैं, एंड जो राइट साइड में है यहाँ पर है ज्योमेट्री कलर, जहां पर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमारी वीडियो के कलर्स और भी बढ़िया हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 6 अलग अलग ऑप्शन है, ये 6। तो सबसे पहले जी बेसिक करेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी विंडो एक,
और अगर आपने फोटोशॉप यूज करा ना, आपको सेम फोटोशॉप के अंदर कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर यही चीज मिलती है आपको, यार ये तो फोटोशॉप वाला ही लग रहा है। तो ये वही चीज ही है, सेम टू सेम फोटोशॉप वाली चीज। जैसे यहाँ पर ये लाइट की ऑप्शन आ रही है ना, यहाँ से हम एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट इसको बढ़ा देंगे। ये देखो इसमें कॉन्ट्रास्ट आ गया, पहले फीकी फीकी वीडियो थी, अब कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया ना, इसकी वैल्यू देखो बढ़ गई है। वापस से जीरो करना है, इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जीरो हो गया। वही फोटोशॉप वाली चीज़ें, हाईलाइट्स, शेडोज, वाइट्स, ब्लैक्स, यहाँ पर ऊपर टेम्परेचर, टेंट। इसके बाद यहाँ पर क्रिएटिव की ऑप्शन है, इसमें अगर हमने फेडेड सी लुक और देनी है तो देखो और फेड होगी। तो क्रिएटिव के अंदर हमारे पास लट्स की ऑप्शन भी है। आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी लोग लट्स प्रोवाइड करते हैं कलर ग्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर क्रिएटिव के अंदर हमें ऑलरेडी ये देखो बहुत सारे लट्स मिल जाते हैं। आपके पास शायद इतने ना शो करें, मैंने कुछ डाउनलोड भी करे हुए ना, तो ये वाले तो बट शो करेगा, ये ऊपर वाले, ये कोडेक वगैरह वाले। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लट्स हैं। इसके बाद नीचे और ऑप्शंस हैं, शार्पनिंग करने की, शार्पनिंग बढ़ानी या कम करनी है, वाइब्रेंस की, सेचुरेशन की। ये देखो कलर्स बढ़िया निकल के आएंगे। तो ये फ़ायदा होता है लॉग में शूट करने का, हम कलर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं भाई कितना कलर हमने बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल शूट करते हैं, इस लॉग में नहीं करते, तो एक कलर फिट हो गया मतलब वीडियो के ऊपर। अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है भाई, इसको ज़्यादा करें या कम करें, ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचती हमारे पास। अभी तीसरे नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है कर्व्स की। तो कर्व्स के अंदर हमें दो कर्व्स मिलते हैं, एक तो लिखा जी आरजीबी कर्व्स, नीचे लिखा ह्यू सैचुरेशन कर्व्स। जो ऊपर के आरजीबी कर्व्स हैं ये सेम भाई फोटोशॉप वाले ही हैं। यहाँ नीचे वाले जो एरिया है, यहाँ से हम इसको पॉइंट को नीचे लेकर आएंगे तो वीडियो डार्क होगी, ऊपर वाले को ऊपर करेंगे तो देखो और ब्राइट होगी। तो ये काफ़ी पॉपुलर है एस कर्व, ऐसे करके कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देते हैं वीडियो में। ये देखो बिफोर आफ्टर, फीकी वीडियो में कॉन्ट्रास्ट ऐड हो गया एस कर्व से, एस की शेप बन रही है ना। यहाँ से हम बिफोर आफ्टर भी चेक कर सकते हैं, ये एरो बना हुआ है, इसको रीसेट करना है, डबल क्लिक कर दो। ये ह्यू सैचुरेशन कर्व्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अंदर ऊपर वाले जो दो है ना, ये मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, नीचे वाले मैं कम यूज़ करता हूँ, ऊपर वाले जो दो हैं ये मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये मैं जब प्रैक्टिकली आपको कलर ग्रेडिंग करके दिखाऊंगा ना, तब देखना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा मैं इसमें क्या यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ। एंड इसके बाद है कलर व्हील्स एंड मैच, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी आपको जब प्रैक्टिकली अभी करूँगा ना फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये एच एस एल सेकेंडरी है, ये भी आपको फोटोशॉप के अंदर ही देखा होगा आपने, ये चीज़ें यह कम ही यूज़ करता हूँ, इसके बिना ही काम हो जाता है। इसके बाद वेनियट, ये तो आपको पता ही होगा, साइडों से ऐसे डार्क सा करना, ये देखो। यानी कि अगर आपने फोटोशॉप यूज़ करा हुआ है ना, तो इसके अंदर तो भाई बहुत ही आसानी से आप लोग कर लोगे। एंड अगर आपने फोटोशॉप नहीं यूज़ करा तो ये वाली वीडियो ध्यान से देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आपने ल्यूमेट्री स्कोप्स भी देख लिया, ल्यूमेट्री कलर के पैनल्स भी देख लिया, आपको इंट्रोडक्शन लगी भी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम एक्चुअल कलर ग्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, मैं पानी पी लूँ। अब तो बिल्कुल ही ध्यान से बैठ जाओ। तो सबसे पहले काम करना है कि ये जो स्लाइडर है ना हमारा, इसको वहां पर लेकर आना है जहां पर हमें प्रॉपर फ्रेम पूरा नजर आ रहा हो। वैसे ये तो वाइड एंगल ही है, सब कुछ ही नजर आ रहा है। तो कोई भी हीरो फ्रेम इसको हम कहते हैं, कोई भी हीरो फ्रेम। इसमें लड़की का चेहरा भी दिख रहा है और पीछे ये जो गाड़ी सी आ रही है वो भी दिख रही है, मतलब सब कुछ पूरा व्यू दिख रहा है। तो ये वाला फ्रेम बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर मैं वीडियो का भी रख लेता हूँ और अभी हम स्टार्ट करते हैं कलर ग्रेडिंग। तो सबसे पहले हमने वीडियो को ना एनालाइज करना है भाई, ध्यान से देखना है इसमें कमी क्या लग रही है, क्या चीज़ हमने ठीक करनी है। तो मुझे जैसे ये वीडियो अभी फीकी फीकी सी लग रही है भाई, ऑब्वियसली बात है लॉग में शूट हुई है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आता हूँ कलर व्हील्स एंड मैच के अंदर। तो यहाँ पर ना तीन गोले गोले से बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं कलर व्हील्स। और हमारी वीडियो में भी तीन मेन चीज़ें होती हैं, हाईलाइट्स, मिड टोन्स और शेडोज। हाईलाइट्स यानी यहाँ पर लाइट ज़्यादा है, शेडो यानी यहाँ पर लाइट कम है, ब्लैक वाला पार्ट, और मिड टोन्स यानी दोनों के बीच वाला एरिया। सिंपल सी बात, ये हाइलाइट्स वाला जो कलर व्हील है इससे हम कलर्स डाल सकते हैं हाइलाइट्स के अंदर। ये देखो जहाँ पर ज़्यादा लाइट है वहाँ पर कलर ऐड हो जाएगा। शेडोज का यूज़ करेंगे तो जहाँ पर लाइट कम है, जहाँ पर डार्क वाला पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा कलर आ जाएगा, और मिड टोन्स में बीच वाला। तो ये कलर की बात होगी, लेकिन इनके साइड में देखो ये स्लाइडर से भी बने हुए हैं। ये देखो इससे हम लाइट को कंट्रोल करते हैं, तीनों की अलग अलग। जैसे हाईलाइट में अगर मैं बढ़ाऊंगा तो देखो हाईलाइट्स बढ़ रही हैं, आसमान देखो, आसमान की डिटेलिंग कम होगी, पूरा वाइट हो रहा है आसमान। और इसी तरीके से शेडोज में देखो, शेडोज को मैं बढ़ाऊंगा तो देखो जो काले काले जैसे उसके बाल हैं वो फीके हो रहे हैं और फीके हो रहे हैं। लेकिन हमारी वीडियो तो पहले से फीकी है, हम इसमें कॉन्ट्रास्ट भरना है, डार्क चीज और डार्क करनी है। तो हम करेंगे भाई ये जो शेडोज वाला है ना स्लाइडर, इसको उठाकर ऐसे नीचे की तरफ कर देना है। तो देखो फीकी जो फीकी फीकी चीज़ है ना वो कम हो रही है, वो देखो। तो इसको मैंने कर दिया नीचे, अभी फीकी चीज़ कम होगी, आपको दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर, समझ गए। पहली चीज़ मैंने कर दी। और ये आपको बता दूं, ये ज़रूरी नहीं आपने यहीं से करना है शेडोज को कम। ये जो ऊपर हमारा सबसे पहला टैब है ना बेसिक करेक्शन वाला, इसके अंदर से भी आप लोग ये कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी शेडोज की ऑप्शन है, यहाँ से भी उसको कम कर सकते हैं। ये देखो सेम चीज़ ही होगी, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो।
या ब्लैक्स को कम करके भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको बढ़िया लगे आप वो कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं कलर व्हील्स वाला ही ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, शेडोज को मैंने कर दिया कम। अब हम चलते हैं बेसिक करेक्शन के अंदर, यहाँ पर हम चलते हैं एंड यहाँ पर जो लाइट वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा खेलना भी हमने। जैसे वीडियो थोड़ी सी डार्क है, थोड़ी सी लाइट बढ़ाएंगे तो जो ब्लैक वाला पार्ट है उसमें भी लाइट बढ़ जाएगी, तो उसको थोड़ा सा कम करेंगे। तो लाइट वाला पार्ट और डार्क वाला पार्ट दोनों को बैलेंस करना है हमने। तो पहले लाइट बढ़ाने से स्टार्ट करते हैं। और कन्फ्यूज में तो ना, बहुत ही आसान है, ध्यान से बस बैठ के एंजॉय करो। देखो साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। तो लाइट बढ़ाने के लिए ना, पहले मैं हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये देखो लाइट मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखो लाइट बढ़ रही है, ध्यान से देखो, ठीक है, बिफोर आफ्टर लाइट बढ़ रही है। एंड यहाँ पर देखो वाइट्स लिखा हुआ है, इससे भी लाइट बढ़ती है, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखो लाइट बढ़ रही है, बिफोर आफ्टर लाइट बढ़ना स्टार्ट होगी। लेकिन इससे क्या हो गया, जो डार्क वाले पार्ट्स थे वो भी थोड़े फीके से हो गए हैं, अब इनको वापस से डार्क करना पड़ेगा। यानी कि ये जो शेडोज हैं और ब्लैक्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पर मैं ब्लैक्स को कम कर देता हूँ, अब शेडोज को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। और अभी लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, तो ये जो ऊपर कॉन्ट्रास्ट ही लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। और ये जो साइड में हमने लुमेट्री स्कोप्स खोले हुए हैं, ये क्यों खोले हैं आप सोच रहे होगे, इसके बारे में तो बताया नहीं, ये ओपन क्यों करे हुए हैं, तो अभी आपको दिखाता हूँ। अभी हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करी है ना लाइट की वैल्यूज़, जैसे ये फीकी वीडियो थी इसमें लाइट भरी है। तो देखो लुमेट्री स्कोप्स के अंदर ही देखो, अभी आप बिफोर आफ्टर चेंज हो रहा है लुमेट्री स्कोप। पहले काफी छोटा सा था, ऐसे था, पिचका हुआ था, जब हमने चेंजेस करी तो ये बड़ा हो गया। यानी कि जब कंट्रास्ट को बढ़ा रहे हैं, लाइट को बढ़ा रहे हैं, ब्लैक वाला पार्ट और ब्लैक कर रहे हैं, तो ये फैल रहा है, ये बड़ा हो रहा है। और हमने इसमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो ऊपर लिखा 100, नीचे लिखा 0। हमने क्या चीज का ध्यान रखना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है ये 100 पे टच ना हो, 100 से थोड़ा नीचे नीचे रहे, और जो नीचे वाली वैल्यू है 0 वो 0 के साथ टच ना हो। अभी आपको दिखाता हूँ टच करके, अगर टच करेंगे तो क्या होगा। ये ब्लैक्स है, मैंने इसको कर दिया बिल्कुल कम, वो देखो और नीचे आ गया। शेडोज को कर दिया और कम, वो देखो बिल्कुल ही नीचे आ गया। तो वीडियो खराब होना शुरू होगी, और ये ग्राफ से भी पता लग रहा है कि हमारी वीडियो का सत्यानाश होना शुरू हो गया। तो उसको अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड से, ये देखो है ना, अभी 0 के साथ टच नहीं हो रहा। और उसी तरीके से जैसे मैं हाईलाइट्स को बढ़ा देता हूँ बिल्कुल ही, ये देखो व्हाइट्स को बढ़ा देता हूँ, तो आसमान सफ़ेद हो गया। लेकिन हमें ग्राफ से भी पता लग रहा है, वो देखो कि ऊपर 100 पे वैल्यू टच हो रही है, यानी कि वीडियो का सत्यानाश होना शुरू हो गया है। तो ये चीजें नहीं करनी। तो ये जो हमने साइड में वेव फॉर्म खोली हुई है, हमारा जो ग्राफ ओपन है, वहां से भी हमने साथ साथ में स्टडी करना है कि हमारी जो वीडियो में कलर करेक्शन कलर ग्रेडिंग हो रही है वो ठीक भी चल रही है कि नहीं। अभी हमने ग्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी, अभी हम कलर करेक्शन ही कर रहे हैं। जब कलर करेक्शन हो जाएगी, यानी कि कलर्स करेक्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम ग्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी लाइट तो हमने एडजस्ट कर दी, अभी कलर्स इसके फीके हैं तो कलर्स बढ़ा देते हैं। तो ये बेसिक करेक्शन है ना, इसको करते हैं बंद। इसके बाद है क्रिएटिव वाला टैब, सेकंड वाला जो हमने देखा था, इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जी वाइब्रेंस की, इससे हम कलर्स थोड़े से बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, कलर्स भी बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, ये जो नीचे घास है ना, मुझे लगता है इसके कलर्स बढ़ने चाहिए, लेकिन अगर मैं वाइब्रेंस को और बढ़ाता हूँ तो जो लड़की के कपड़े हैं ब्लू कलर है वो ज़्यादा ही ब्लू हो जाता है। ये देखो ग्रास तो ठीक हो गया, लेकिन उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा ब्लू हो गए। इसका मतलब है हमने सिर्फ ग्रास के कलर्स को बढ़ाना है, उसके कपड़ों के कलर्स को नहीं छेड़ना। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। मैंने शुरू में आपको बोला था ना, मैं बाद में बताऊंगा। तो ये देखना, अब कर्व्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर है ह्यू सैचुरेशन कर्व्स। तो सबसे पहला यहाँ पर आ जाएगी ह्यू वर्सेस सैचुरेशन। ह्यू का मतलब होता है कलर, हरा कलर, नीला कलर, कोई भी कलर। वर्सेस सैचुरेशन मतलब वो वाले कलर की सैचुरेशन कितनी होगी। जैसे ये ग्रास का ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर की सैचुरेशन कितनी होगी। ये लड़के के कपड़ों का ब्लू कलर है तो ब्लू कलर की सैचुरेशन कितनी होगी, सिंपल सी बात। तो अभी हम यहाँ पर ये आई ड्रॉपर देख सकते हो आप, ये कलर पिकर टूल बना हुआ है ये वाला, इसको उठाना है। ये ऐसा सही होता है ना, जब हम नाक में दवाई डालते हैं, आँख में डालते हैं, ऐसा सही होता है ना वो। तो ये इसको उठाना है और ये ग्रास के ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है, जिसका भी कलर चेंज करना है तो इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दिया। ये देखो इसने अपने आप ही ये 3 पॉइंट्स में आगे दे दिए। हमने क्या करना है, जो बीच वाला पॉइंट है ना, सेंटर वाला पॉइंट है, उसको उठाना है और ऊपर कर देना। अब देखना ग्रास का कलर चेंज हो जाएगा, वो देखो कितना ग्रीन हो गया। अब लड़के के कपड़ों का कलर नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ ग्रास का ही हो रहा है, वो देखो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा इतना ज़्यादा भी नहीं करना, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना ठीक लग रहा है। और जो नीचे वाला ह्यू वर्सेस ह्यू है ये भी आपको दिखा देता हूँ। सपोज करिए हमने ये ग्रास का जो कलर है ना ग्रीन, ये हमने ग्रीन नहीं करना, हमने ग्रास दिखाना है जी पिंक कलर का, मैजेंटा कलर का, पर्पल कलर का। तो ह्यू वर्सेस ह्यू यानी कलर वर्सेस कलर, कि कौन से कलर का कौन सा कलर कर देना है। अभी दिखाता हूँ, ये आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करा, ग्रास को करते हैं ऐसे सिलेक्ट करा, इसको देखो ऊपर उठाऊंगा तो देखना, ये देखो पर्पल मैजेंटा कलर में जा रहा है ग्रास,
नीचे करूंगा तो देखो। और जैसे ये पीछे का कुछ ग्रास रह गया, ये नहीं हो रहा ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट्स है ना साइडों में, इनको थोड़ा सा ऐसे ऐसे साइडों में और ले जाएंगे। ये देखो वो भी ग्रीन हो गया ना जो पहले नहीं हो रहा था। ये देखो तो ऐसी क्रिएटिव चीजें भी यहां पर कर सकते हैं। मैं ये मेन दो यूज करता हूँ, ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस ह्यू, ज्यादातर ये यूज होते हैं। तो अभी ये जो नीचे वाला ह्यू वर्सेस ह्यू है ना, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हमने कैंसिल करना, अंडू करना है। तो यहां पर इसके अंदर ही ना डबल क्लिक कर दो, अंडू हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है जी, अभी हम वापस इसी वीडियो पे कलर ग्रेडिंग करते हैं ना। तो कलर करेक्शन तो हमने कर दी, अभी कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग क्या होता है, इसके अंदर हम टोन क्रिएट करते हैं। तो कलर करेक्शन, करेक्शन यानी सही करना, हमने करेक्शन कर दी। अभी कलर्स हमारे ठीक है, ग्रास को जितना ग्रीन होना चाहिए था वो उतना ग्रीन कर दिया, लाइट को एडजस्ट कर दिया। अभी ग्रेडिंग की बारी, यानी एक टोन क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से कलर व्हील्स के अंदर। कलर व्हील्स के अंदर चलते हैं। तो ये जो हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स जहां पर लाइट ज्यादा है, वैसे तो पूरी वीडियो पे इफेक्ट करेगा, लेकिन ज्यादा वहां पर इफेक्ट करेगा जहां पर लाइट ज्यादा है। तो ये सेंटर में एक पॉइंटर सा आ रहा है, प्लस बना हुआ है, तो इसको उठाकर जहां पर भी मैं लेकर जाऊंगा वीडियो में वही कलर ज्यादा आएगा। ये देखो नीचे की तरफ लेकर जाऊंगा तो वीडियो में ब्लू कलर ज्यादा हो रहा है, वो देखो ब्लू ज्यादा हो रहा है। ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा साइड में तो देखो येलो कलर ज्यादा हो रहा है, तो ये येलो वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा येलो में रखते हैं इसको। ये जो मिड टोन्स हैं इसको थोड़ा सा ब्लू में रख देते हैं, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा ना, ज्यादा येलो येलो का करना है, थोड़ा सा ब्लू में रख देते हैं इसको। साथ साथ में हमने चेक करना है बिफोर आफ्टर, वो हम चेक कर सकते हैं। यहां पर एफएक्स लिखा हुआ है साइड में, ये देखो एफएक्स, इसको ऑन ऑफ करते हैं बिफोर आफ्टर, तो कलर टोन निकल के आ रही है ना, कितनी बढ़िया लग रही है। बिफोर कितनी फीकी फीकी सी वीडियो थी, अभी देखो अभी ये टोन क्रिएट हो रही है, अभी हो ही नहीं है। अभी हम ना बेसिक करेक्शन में चलते हैं, यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शन होती है फोटोशॉप वाली, टेम्परेचर, टेंट, ये दोनों, तो यहां से कुछ करते हैं। जैसे टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल में रखते हैं, थोड़ा सा माइनस कर देता हूँ, ज्यादा नहीं करा, नहीं तो वीडियो में येलो कलर खत्म ही हो जाएगा। थोड़ा सा कम, और टेंट ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। अरे भाई कलर्स कितने बढ़िया लग रहे हैं यार। एंड भाई अब चेक करो यहां पर बिफोर आफ्टर, फीकी फीकी सी वीडियो थी, कितने प्यारे इसमें कलर्स आ गए हैं, प्यारी सी वार्म सी टोन आ रही है। ओहो कंट्रास्ट भी कितना सही लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपको यार ये तो आपने एक वीडियो पे करके दिखा दी, अगर सेम लोकेशन पे अभी एक और शॉट है हमारे पास, जैसे अभी लड़की थी तो एक लड़के का शॉट भी है, ये लड़का भी जा रहा है छाता पकड़ के, तो क्या आपको सारे स्टेप्स फिर से करने पड़ेंगे? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। इसी कलर्स को हम इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जिसके हमने कलर ग्रेडिंग कर दी ऑलरेडी, इसके ऊपर अपने स्लाइडर को ले आएंगे, ऊपर से जाएंगे एडिट में, यहां से करेंगे कॉपी, और जहां पर पेस्ट करना है वो वाली वीडियो के ऊपर आ जाएंगे एडिट, एंड यहां पर हम करेंगे पेस्ट एट्रीब्यूट्स। सिंपल वाला पेस्ट नहीं करना, पेस्ट एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, और इसके अंदर जो चीज आपको पेस्ट करनी है, जैसे हमने सिर्फ लुमेट्री कलर को ही पेस्ट करना है तो सिर्फ उसको ऑन रखेंगे, बाकी सबको बंद कर देंगे, सिर्फ लुमेट्री कलर ओके कर देंगे। आगे कलर्स, और इसमें मुझे लग रहा है थोड़ी सी लाइट और बढ़ सकती है, तो वो हम चीजें जहां पर चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आपको थोड़ी बहुत चेंजेस की जरूरत लग रही है आप यहां पर वो चीजें कर सकते हो। इसका ग्रीन भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, वो हम यहां से कम कर लेंगे। तो बढ़िया जी, बिफोर आफ्टर क्या बात है, बस एक क्लिप ही कर लो, उसके साथ की जो भी क्लिप्स हैं वो आसानी से हो जाएंगी। अभी आपको एक और मस्त चीज दिखाते हैं, लट्स। लट्स कैसे यूज करनी है, तो शुरू में एक तो मैंने बताया था कि इसके अंदर भी लट्स होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अपनी कोई लट्स आपने डाउनलोड करी हुई है वो कैसे यूज करनी है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो हम एक क्लिप ले आते हैं वीडियो, अब इसके ऊपर मैंने एक लट फाइल अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा यहां से जाऊंगा क्रिएटिव के अंदर लुक, एंड यहां पर अब हम चूज करेंगे यहां से ब्राउज, ये वाला हम अपने ड्राइव को ओपन करेंगे जहां पर मैंने वो लट फाइल को डाउनलोड करा हुआ है, जैसे ये वाली पड़ी हुई है ना, तो ये लगा देते हैं। ये देखो कलर्स आ गए बिफोर आफ्टर,
ये भी एक तरीका है। एक तरीका और है लेकिन वो ज्यादा मत यूज करना, वो मैं ज्यादा आपको नहीं कहूंगा भी यूज करने के लिए, वो थोड़ा सा पता नहीं अनप्रोफेशनल सा तरीका लगता है। पता नहीं आप कर भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब तरीका प्रीमियर प्रो वालों ने बनाया हुआ है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी वीडियो का सीन पड़ा हुआ है, जैसे कोई भी स्क्रीन शॉट है, जैसे ये किसी मूवी का स्क्रीन शॉट पड़ा हुआ है हमारे पास, तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी मिलती जुलती सी टोन आ जाए, एग्जैक्ट ऐसी सेम नहीं होगी, यहाँ की थोड़ी थोड़ी सी टोन आ जाएगी वीडियो के ऊपर। तो भी आपको करके दिखा देता हूँ वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो क्लिप ले आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये वाली जो वीडियो है ना, इसके ऊपर कुछ ऐसी सी टोन आ जाए। ये किसी हॉलीवुड मूवी का स्क्रीनशॉट है, तो एग्जैक्ट सेम तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आ जाएगा। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से कलर व्हील्स एंड मैच के अंदर। पहले भी हम इसके अंदर गए थे लेकिन अभी इसके अंदर एक चीज करनी है, कलर मैच लिखा हुआ है और इसके सामने लिखा है जी कंपेरिजन व्यू, यानी कि दो चीजों को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेरिजन व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, दो विंडोज आ गई, लेफ्ट में और राइट में। अब ध्यान से सुनो, जो लेफ्ट साइड है ना, वहां पर हमने वो वाली वीडियो को ओपन करना है जहां से हमने स्टाइल कॉपी करना है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, सेम टू सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन वहां से मिलता जुलता कलर सा आ जाएगा। और यहाँ पर ये छोटा सा गोला सा बना हुआ है स्लाइडर सा, इसको उठाकर आगे आगे लेते आएंगे जहां पर वो सीन पहुंच रहा है हमारा। जैसे वो वाला सीन ये रहा, ये बंदा आ गया, यहां पर हम ले आए इसको। अब ये कलर इसके ऊपर लेकर आने हैं। अब ध्यान रखना नीचे जो स्लाइडर है ना, वो उसी वीडियो के ऊपर हो जहां पर हमने कलर्स कॉपी करने हैं, वो उसी के ऊपर होना चाहिए। अब इसी के ऊपर गया, ठीक है जी बिल्कुल। अब लेफ्ट में जहां से कॉपी करना है और जहां पर कॉपी करना है वो राइट में आ गया। सिंपली भाई क्लिक करना है यहां पर अप्लाई मैच पे, अप्लाई मैच। ये देखो हो गया काम आसान, कंपेरिजन व्यू को बंद कर दो तो वहां से मिलती जुलती सी टोन आ गई है यहां पर, बिफोर आफ्टर। तो ये भी एक तरीका कलर ग्रेडिंग करने का। और तो भाई आप लोगों को पता लग गया कि प्रीमियर प्रो के अंदर लट्स कैसे यूज करनी है, कलर करेक्शन कैसे करनी है, कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, किसी और फिल्म का अगर कुछ स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है उसकी सिमिलर सी टोन कैसे अपने वीडियो के ऊपर लगा देनी है। काफी कोशिश करिए आपको आसानी से सब बढ़िया सा समझा दे, और मुझे उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। अब वीडियो पर लाइक जरूर कर देना, प्रीमियर प्रो की बाकी क्लासेस आपने नहीं देखी वो जरूर देखना, एंड ऐसी और चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहती है, इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी रील्स भी रेगुलरली आती रहती है, वो भी जरूर देखना यार, काफी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। एंड बाकी मिलते हैं प्रीमियर प्रो की अगली क्लास में। ओके जी।